आगे बढ़ेंगे, सिपाही सालार की बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल शरीफ ने हिदायत की है कि दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जरबेअज़्ब का दायरा कार बढ़ाया जाए। सिपाही सालार का कहना था कि ऑपरेशन के सम्राट को बरकरार रखा जाए, इसकी कामयाबियों को जाया नहीं होने देंगे। आईएसपी आर के मुताबिक आर्मी चीफ ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल का दौरा किया और पूरा दिन अफसरान और जवानों के साथ गुजारा। दौरे के दौरान जनरल रहील शरीफ को ऑपरेशन जरबे अजब के आखिरी मरहले पर ब्रीफिंग दी गई। ऑपरेशन कमांडर ने आर्मी चीफ को बताया कि अब तक 800 मुरबा किलोमीटर का इलाका क्लियर कर लिया गया है। उन्हें शिद्दत पसंदों से तहवीर में लिए गए असलहे के बारे में भी आगाह किया गया। सिपा सलाद ने शवाल ऑपरेशन की कामयाब तकमील पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी को सराहा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने हिदायत की कि फाटा के अलावा दीगर इलाकों में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने खत्म किए जाएं। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार भी बढ़ा दिया जाए। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से खिताब भी किया और कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कौम फौज की कुर्बानियों की कदर करती है। उनका कहना था कि ऑपरेशन के सम्राट को बरकरार रखा जाएगा, उनकी कुर्बानियों को जाया नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि मुतासरीन की बाइज्जत वापसी को भी यकीनी बनाया जाएगा।